धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने रेलवे जैसे महत्वपूर्ण विषय पे मुझको बोलने का अवसर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद पेश किए गए बजटों में यह पहला बजट है जो अपने आप में राष्ट्रीय है। नहीं, इससे पहले जितने भी बजट पेश किए गए वो क्षेत्रीय रहे, चाहे जो भी रेल मंत्री रहे वो उसको अपने क्षेत्र में ले जाने गए। लेकिन मैं इस बात के लिए माननीय मंत्री जी का बधाई दूंगा कि वो लोग अपने हाथ में सब कुछ होते हुए, चाहे माननीय मनोज सिन्हा जी हो चाहे सुरेश प्रभु जी हो, अपने क्षेत्रवाद के लिए कुछ नहीं किया। ये पहला बजट है जिन्होंने देश के लिए किया और पूरे देश के लिए इसको ये प्रस्तुत किया। इस रेल बजट में जहाँ एक स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, कौशल विकास और पर्यावरण संरक्षण तथा ऊर्जा सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने का काम किया है, वहीं रेल के विस्तारीकरण पर भी उतना ही ध्यान दिया है। जहां 2014-15 में मात्र 462 किलोमीटर लाइन स्वीकृत की गई थी, उसकी तुलना में 2015-16 के बजट में इन्होंने 6608 किलोमीटर लाइन की स्वीकृति प्रदान की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पिछले वर्षों की तुलना में 1330% अधिक है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब एक तरफ जहां पर इन्होंने रेल के विस्तारीकरण पर ध्यान दिया, उतने ही इन्होंने रेल के विद्युतीकरण पर भी ध्यान दिया। जो रेल के विद्युतीकरण से जहां पर्यावरण सुरक्षित होगा, विदेशी करेंसी बचेगी, वहां पर लोगों को रोजगार का भी अवसर मिलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक रेलवे स्टेशन पे नॉर्मल जनरल टिकट लेने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। टिकट न मिलने के अभाव में लोगों की ट्रेन भी छूटती है और कभी कभी तो लोगों को बेटिकट यात्रा भी मजबूरी में करना पड़ता है, जिसके कारण उनको पेनलाइज होना पड़ता है। इसके लिए इन्होंने ई टिकटिंग की व्यवस्था की और जो ऑपरेशन 5 मिनट शुरू किया है, उसकी भी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेन रूटों पर बहुत दबाव है। हमारे रेल ट्रैक ज़्यादा स्पीड की ट्रेन चला सकते, मतलब 1 मिनट जहाँ पर ज्यादा ट्रेन को चला सकते हैं वहाँ ट्रेन की स्पीड कम बढ़ाने का काम किया। माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, बोलने का मौका नहीं दे रहे मैं, इसलिए अपने केवल अपने क्षेत्र की मांग रखना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र में भरवारी और सिराथू दो रेलवे स्टेशन हैं जो इलाहाबाद जिला मुख्यालय से बहुत दूर है। दिल्ली के लिए कोई ट्रेन नहीं है, रिवांचल एक्सप्रेस उधर से जाती है। इनसे निवेदन है कि भरवारी और सियाथू रेलवे स्टेशन पे रिवांचल का स्टॉपेज करें। और दूसरा, मेरा एक निर्वाचन क्षेत्र में प्रतापगढ़ जनपद आता है जो गंगा गोमती एक्सप्रेस है जो सुबह लखनऊ के लिए जाती है, उनका ठहराव लाल गोपालगंज और मानिकपुर पे करने की कृपा करें। साथ ही माननीय अध्यक्ष जी से मैं कहता हूँ कि मेरा जिला मुख्यालय रेलवे कनेक्टिविटी से महरूम है, कम से कम वहाँ पर एक रिजर्वेशन काउंटर खोलने की कृपा करें, जिससे कम से कम मंझनपुर और कौशाम्बी के लोगों को इस बात का तो मालूम चले कि रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी उनके जनपद से जुड़ा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अरे हम लोग पहली बार, हम लोग 3 मिनट भी नहीं हुआ है, नहीं 2 मिनट हुआ, आप घड़ी देख लीजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि हम लोगों को बोलने दिया करिए, क्योंकि इतना कम समय हम लोग बोल नहीं पाते। एक तो हम लोग का क्षेत्र पिछड़ा है, क्षेत्र छोटा है, हम लोगों की बात पूरी आ नहीं पाती और उसके बाद हम लोगों को पूरी बात नहीं कहने दिया जाए। ठीक है, सी ऑलरेडी आई टोल्ड यू टाइम इज ओवर, योर पार्टी टाइम, एवरीथिंग ओवर, व्हाट कैन आई डू, दैट इज ओवर, दैट इज ओवर, टाइम इज ओवर, यू टेल हिम टू फेल। अभ्यंत भी पीछे दिए हैं आप। नो, आई मेड इट वेरी क्लियर, व्हेन यू आर स्पीकिंग यू टेल अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिनिश इट, दैट इज चलिए मैं अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। माननीय रेल मंत्री जी की और प्रभु जी की, ऊपर की प्रभु की कृपा नहीं है, शायद यही कृपा करके कुछ क्षेत्र का विकास कर दे। मेरे जिले में कम से कम 2 स्टेशन ऐसे हैं जिनको जिला स्तरीय बना दे, जिससे कि हम लोग दोबारा यहाँ चुन के आए, नहीं जनता हम लोगों को माफ नहीं करेगी। धन्यवाद।